This video is provided by Blind Tech Information Channel. Please hit the bell icon and subscribe our channel. Don't forget like, share and comment of this video. Please follow the about section and join our WhatsApp group. Thank you. हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ आज फिर एक यूज़फुल वीडियो को लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। तो वीडियो को लाइक पहले कर दो। वीडियो में है क्या वो मैं बाद में बताऊँगा। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन के म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट पेज में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाइए और इस कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम जानने वाले हैं वॉल्यूम कीज़ जो होती हैं हमारी, इनसे हम कितने काम कर सकते हैं, आप और हम कितने काम करते हैं भाई वॉल्यूम की से। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम घटाएंगे, या फिर बहुत से लोग वॉइस असिस्टेंट को रख सकते हैं। लेकिन अब यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप चाहे जो फ़ोन यूज़ करते हो, चाहे वो शाओमी का हो या चाहे जो भी हो, ठीक है, हर एक फ़ोन में आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट, कोई एप्लीकेशन, असिस्टेंट, रिसेंस, ओवरव्यू, होम, बैक, जो भी आप रखना चाहें सब कुछ रख सकते हैं। तो कैसे करना है सब आज की वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है विकास चौधरी, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फाइनली आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और टॉकबैक ऑन करता हूं मैं। और एप्लीकेशन इसके लिए आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगा। तो हम टॉकबैक ऑन करते हैं और उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। One screen, page 220, button mapper, window system launcher. Button mapper, okay. Play Store पर सर्च करोगे मिल जाएगा। Open किया मैंने इसको। Remap your hardware buttons. Remap your hardwares, okay. और एक बार हमको यहाँ से back करना है, ठीक है? Button mapper needs to be activated in settings - greater than accessibility. Go button. Okay. Button mapper, like. सबसे पहला ऑप्शन है लाइक का, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को लाइक कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले लाइक कर ही देता हूँ क्योंकि भाई लाइक करना तो बनता है यार। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो मगर मैं नहीं कर रहा कुछ भी, छोड़ो, है ना। तो सॉरी, गर्मी बहुत है। तो अभी हम राइट चलते हैं। मोर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें हम जाएंगे सबसे पहले Reset to default. इस पर आप यदि क्लिक कर दोगे तो इस एप्लीकेशन की सारी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है? Start/stop service. सबसे मेन ये है। Uninstall. Theme. Icon. Language. Introduction. About. ठीक है, बस इतना ही है। Start/stop service. Start/stop service पे सिंपल हम क्लिक करेंगे सबसे पहले। Accessibility. Back. अब इसको एक्सेसिबिलिटी में आ गए हम लोग, ठीक है। अब एक्सेसिबिलिटी से स्टार्ट कर देंगे। डाउनलोड सर्विसेज में जाना है, यदि आप रेडमी फ़ोन के यूज़र हो, सैमसंग के यूज़र हो, तो इंस्टॉल सर्विसेज में जाना, ठीक है। और ओप्पो और वीवो में आई थिंक ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है, राइट चलते हैं। चलेंगे बटन मैपर प्रोवाइडेड, ठीक है, ऑन करते हैं इसको। सिक्योरिटी क्लिक किया और ओके के ऑप्शन पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। ओके, बटन मैपर, एक्सेसिबिलिटी, बटन मैपर, मोर ऑप्शंस, बटन। अब राइट चलते हैं। बटन्स, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, हेडसेट बटन। और ये हेडसेट बटन, मान लो जैसे कि आपने कोई हेडसेट कनेक्ट करके रखा है तो उसके बटन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, क्या बात है। Add buttons. और यहाँ से आप बटन को ऐड भी कर सकते हो। Troubleshooting.
ठीक है, ट्रबल शूटिंग, मोर ऑप्शंस, ये मोर ऑप्शन। स्क्रीन ऑफ एक्शंस डिसेबल्ड, आगे देखो स्क्रीन ऑफ एक्शंस, ठीक है, डिसेबल इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारे काम के नहीं उनको हम क्यों देखें, ठीक है, जो हमारे काम के हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप यानी कि हमारी जो वॉल्यूम अप की होती है इसको हम किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं देख लेते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं, वॉल्यूम अप डिसेबल्ड, क्लिक किया, राइट चलते हैं। कस्टमाइज ऑफ स्विच, सबसे पहले जो कस्टमाइज का ऑप्शन है इसको ऑन करना है, जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक सब कुछ डिसेबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, ऑन, ऑन किया, राइट चलते हैं। सिंगल टैप डिफॉल्ट, सिंगल टैप डिफॉल्ट यानी कि यदि आप एक बार टाइप करोगे तो अब ये डिफॉल्ट है, प्रेस करोगे। ठीक है, इसमें हम क्लिक करते हैं। एक्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक्शंस सबसे पहला ऑप्शन है एक्शन, टैप टू चूज एक्शन, नो एक्शन यह है नो, कोई एक्शन नहीं, ठीक है, नो एक्शन, डिफॉल्ट, यह है डिफॉल्ट। होम, और अब यह आ गया होम, यानी कि आप यदि इस पर रख दोगे तो जब भी आप अपनी वॉल्यूम अप की दबाओगे तो होम पहुंच जाओगे, कहीं पर भी होगे। ठीक है, मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बैक, बैक रख सकते हो, रीसेंट, रीसेंट यानी कि ओवरव्यू, शो मेन्यू, शो मेन्यू भी रख सकते हो कि मेन्यू शो हो। ठीक है, कैमरा ओपन कैमरा प्रो, टर्न को भी ओपन करवा सकते हो, स्क्रीन ऑफ, स्लीप, स्क्रीन भी ऑफ करवा सकते हो, क्या बात है, स्लीप। टॉगल फ्लैशलाइट, फ्लैश लाइट है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग। स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, सिलेक्ट स्लैश एंटर, लास्ट ऐप, ठीक है, जो सिलेक्ट स्लैश एंटर है ये मतलब कीबोर्ड वाला वही एंटर है। स्क्रीन ऑन प्रो, वॉइस टाइपिंग प्रो, ठीक है, एंटर का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, सिलेक्ट स्लैश एंटर यानी कि जब भी आप दबाओगे तो एंटर हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, राइट। पावर डायलॉग, ये पावर डायलॉग है यानी कि पावर ऑफ के जो ऑप्शन होते हैं। फुल स्क्रीन मोड, ये फुल स्क्रीन मोड है, सर्च, इसका काम क्या है पता नहीं। एप सर्च, ठीक है, असिस्टेंट, असिस्टेंट, नाउ ऑन टैप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, कॉपी, कट, क्या बात है, पेस्ट, वाह, हेडसेट बटन, हेडसेट बटन। ठीक कैंसिल बटन, है, तो इतने ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक्शंस, और ड्रॉप ऑन डाउन द मेन्यू क्विक, जो एक्शन जो सबसे पहला शो कर रहा है उसमें हम क्लिक करेंगे। एप एक्शंस, सबसे पहला एक्शन, एप्लीकेशंस, अब यहाँ से आप कोई एप्लीकेशन रख सकते हो, शॉर्टकट्स, शॉर्टकट है ये, सिस्टम, सिस्टम, मीडिया, मीडिया, एडवांस्ड, एडवांस, ठीक है, एक्शंस, एक्शंस, एक्शन में कुछ नहीं, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन, जाके हम एप्लीकेशन को रख सकते हैं। एप्लीकेशंस, देखो भैया, एप फॉल, असिस्ट, ऑटो, बटन, कैलकुलेट, कैलेंडर, कैमरा, क्रो, क्लॉक, काउंटडाउन, ड्रॉप इट, फेस, फाइल मैनेजर, भैया जो भी रखना चाहो रख सकते हो। अभी तक तो हम सिर्फ कमेंट्री स्क्रीन रीडर में कर सकते थे, लेकिन अब तो भैया टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कुछ भी संभव है, कुछ भी मुमकिन है भाई। कैंसिल कैंसिल, बटन करते हैं, मैपर, तो इतना तो हो गया। ठीक है, तो अब हम और देख लेते हैं कितने ऑप्शन हैं। अनलेबल्ड, डबल टैप, नो एक्शन, यह है डबल टैप यानी कि अपनी वॉल्यूम अप की को जब आप डबल टैप करोगे तो क्या होना चाहिए, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस डिफॉल्ट, लॉन्ग प्रेस करोगे तब क्या होना चाहिए भाई, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इतने ऑप्शन दिए गए हैं, अब हम इस पर कुछ एक रख के देख लेते हैं। सिंगल एप्लीकेशंस, एयरटेल सर असिस्टेंट, एप्लीकेशन तो नहीं रखने वाले, पॉप अप विंडो, एप्लीकेशन, एप ड्रॉप डाउन मेन्यू, एप्लीकेशन, कैलेंडर, ड्रॉप, पॉप अप विंडो, एक्शन, एक्शंस, नो एक्ट, डिफॉल्ट, बैक, बैक, होम, चलो हम होम को रखते हैं। ठीक है, बटन मैपर, अभी देखो हमने बटन्स, होम को रख दिया, ठीक है, अब वॉल्यूम अप की पे हमने होम को रख दिया, और देखने के ऑप्शन है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और वॉल्यूम डाउन सेम ही ऑप्शन है, हेडसेट बटन, और हेडसेट बटन के पर भी सेम ही ऑप्शन हेडसेट, है। ठीक है, कस्टमाइज, ऑफ, ठीक है, बिल्कुल ऑन, सेम ही है। सिंगल टैप, अनलिंक, डबल टैप, लॉन्ग प्रेस, ठीक है, डिफॉल्ट, ऑप्शन सब में सेम ही है, सॉन्ग और सेम ही आपको कस्टमाइज करने हैं। बटन्स, ठीक है, तो इतने बटन यहाँ पर दिए गए मोर हैं। ऑप्शंस, ठीक है, मोर ऑप्शन में क्या देख बटन लेते हैं अप, भाई। लॉन्ग प्रेस डिले 300 मिलीसेकंड्स, डबल टैप डिले 300 मिलीसेकंड्स, वेट फॉर डबल टैप डिले, सिंगल प्रेस एक्शन फॉर 300 मिलीसेकंड्स, ऑन, स्विच, ओ भैया, सिमुलेट की कोड्स, यूज कस्टम की कोड्स टू सिमुलेट एनी बटन, ओपन्स अप मोर ऑप्शंस बट रिक्वायर्स एट शेल स्क्रिप्ट आफ्टर एवरी रिबूट, ऑफ, स्विच, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बाईपास, बाईपास सिस्टम यूआई, डिसेबल बटन मैपर फॉर सिस्टम डायलॉग्स, ऑफ, स्विच, bypass camera, disable button mapper when camera is used, on, switch,
ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दिए गए, इन सारे ऑप्शंस को भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज करना है। अब मैं अपनी वॉल्यूम अप की दबाता हूँ और यहाँ से होम होता हूँ। सिस्टम लॉन्चर वन स्क्रीन बटन। ठीक है, अभी हम होम हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि हाँ तो लाइक करो वीडियो को जल्दी से। चलिए मिलेंगे आपको फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में।